going to do that. हेलो एवरीवन एंड टुडे इज 12th ऑफ मे और आज है व्रत वाला दिन। ये देखिए मैं अभी बिल्कुल तैयार हूँ और मैं लेट चल रहा हूँ, सब बाहर पहुँच चुके हैं, मुझे बुला रहे हैं, जल्दी से चलते हैं और फिर मैं आपको मिलाता हूँ सबसे। ठीक है तो हम व्रत में जाके आते हैं। ठीक है गर्वू, गर्वू का पेट खराब है आज। और यहाँ हम दीदी को छोड़ने जा रहे हैं, दीदी भी आई हुई थी कल, मम्मी गई थी ना चेकअप कराने, दीदी आई थी उनके साथ तो वो आ गई गाड़ी, चलो चलते हैं। तोड़ के मोती और ये दीदी को छोड़ दिया यहाँ पे, दीदी का घर है ससुराल। कोई बात है तो आप इस समय कह सकते हैं। और ये दीदी हैं जिनमें सबसे बड़े ताऊ की ना सबसे बड़ी लड़की हैं और इनके मिहाड़े का काम चल रहा है यहाँ पे। तो दीदी का ससुराल ना जहाँ पे बारात गई थी उसके काफी पास था, तो हम दीदी के यहाँ पे ही रुके हुए थे ज्यादातर टाइम। हेलो कर रहा हूँ दीदी, दीदी सबसे बड़ी है और मैं सबसे छोटा घर में, है ना। और ये दीदी की दुकान है, जब मैं पहले आया था ना यहाँ पे तब तो बिल्कुल बस मिठाई वगैरह की दुकान थी, अभी तो जीजू ने सब कुछ रख लिया है। ये देखिए जीजू ने पूरा सामान रखा हुआ है अब तो बढ़िया। और यहाँ पे मिठाई भी है, मतलब जीजू अपने हाथ से बनाते हैं बेसन बर्फी वगैरह, इतना टेस्टी होता है ना, पिछली बार उन्होंने मुझे दिया था इसे मैं लेके जाऊँगा याद से, बहुत टेस्टी था। ये है बेसन और ये है नहीं, ये बेसन है और ये बर्फी है, जीजू बनाते हैं अपने आप से, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये टेम्पटेशन दूरी में खा के देखता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर्क्स ऑफ हैविंग अ मिठाई वाला जीजा, मैं लेके जाऊंगा डेफिनेटली। फेरे और शादी होने के बाद ना सबसे पहले बरात को खाना दिया जाता है बरातियों को, और अगैन धाम वाला खाना ही होता है, स्टैंडिंग खाना हमारे यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता है। और मैंने यहाँ पे ना खट्टे की स्पेसिफिक वीडियो बनाई है क्योंकि काफ़ी अच्छा बना था, एक कद्दू का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये फिर से बरातू सारे विदाई से पहले नाचने लग गए, जाने से पहले लड़की वालों की आई। Meanwhile, और जैसा एज प्रॉमिस मैंने कहा था कि मैं यहाँ से बेसन लेके जाऊंगा, वो जीजू दे रहे हैं मुझे निकाल के। ये देखिए मैं टेम्परेरी दुकानदार बन गया हूँ जीजू के साथ। आप आना कल लादड़ी में, जीजू मुझे बुला रहे थे, वैसे कल लादड़ी आएगी, जीजू तो नहीं आएंगे, दुकान होती है, दीदी आएगी। सो अभी हम बारात से आ गए हैं घर, बोला गया था कि 2 बजे तक आना है, 2 या 3 बजे तक, और बज रहे हैं 5 की, वैसे तो लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो हम इस ब्लॉग को कर लेते हैं एंड, हमारी बारात वाला डे हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो कर दीजिए जब तक लाइक शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले फंक्शन में शादी के, तब तक के लिए बाय।